आप भी बिल्कुल ऐसी मक्की की रोटी बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो आइए अब इन्हें देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। ऐसे पानी मिलाते जाएंगे, ज्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, इतना इतना पानी मिलाएंगे। बिल्कुल हमने सॉफ्ट आटा इसका बनाना है। ये जो ये होता है इसको ऐसे दबाते जाएंगे। बिल्कुल सॉफ्ट, जब तक ये पकने लायक ना हो इसको ऐसे ही हम हाथ चलाते जाएंगे इसमें। ये देखिए अब ये पकाने लायक हो गया है। अब आप जिस भी साइज की बनाना चाहते हो उतना आटा ले लेंगे। मैं कुछ मीडियम सी साइज की बनाऊंगी। उसके बाद ऐसे किया, हल्का सा पानी लगाया हाथ में, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है पानी, दोनों हाथों पे। उसके बाद ऐसे हल्का सा बीच से पानी लगाएंगे। ऐसे ही दोनों हथेलियों को ऐसे दबाते हुए हम इसे बना लेंगे। ऐसे दबाते जाना है तब ये बिल्कुल पतली बनेगी। ये देखिए साइडों से दबाने के बाद जो बीच में है हल्का सा, इसको भी ऐसे दबा देंगे। अब इसको तवे पे डाल देंगे ऐसे। ये अब सिक चुकी है, अब इसको हम पलट लेंगे ऐसे। अब इसको निचली साइड से भी पकने देंगे, उसके बाद चूल्हे में इसको आग पे सेकेंगे अच्छे से। बस ऐसे ही जब तक ये होती है हम आगे भी ऐसे ही बना लेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले बनाई थी, हथेलियों को हल्का सा दबाते हुए ऐसे बना लेंगे। जब ये बिल्कुल पतली हो जाए, जैसे कि ये देखिए अभी हो गई है, तो हम ये बीच से बीच में भी हल्का सा दबा देंगे ताकि बीच से भी ये मोटी ना हो। ये देखिए अब ये बन गई है। अब इसे हम तवे पे पकाएंगे। जो तवे वाली है वो बन चुकी है। इसे ऐसे आग पे सेक लेंगे। अब इसको यहाँ डाल देंगे। ये देखिए ये अब बन गई है, पक गई है अच्छे से। ये अब एक साइड से पक चुकी है, इसको पलट के हम पका लेंगे। ये देखिए ये वाली भी बन गई है। इसको भी वैसे ही जैसे हमने पहले से की थी इसको डाल देंगे साथ में। इसको ऐसे यहाँ पे अच्छे से इसको सेकना है। ये देखिए पक गई है, देखिए कितनी अच्छी बनी है। इसको यहां निकाल देंगे। देखिए इतनी मैं बना चुकी हूं। वैसे ही आगे भी आटा बनाएंगे, जिस साइज की बनानी है यहां से उतना हम उठा लेंगे आटा। हल्का हल्का पानी लगाते हुए ऐसे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, यहां से किया, उसके बाद हल्का सा बीच में। अब जो यहां तवे हैं उसे भी हम पलट लेंगे। जब तक वो सिकती है तब तक इसे बना लेंगे। वैसे ही हथेलियों को हल्का हल्का दबाते हुए जब तक बिल्कुल पतली ना हो। ये देखिए ये भी पतली हो गई। अब हल्का सा बीच से ये भी बन गई।
इसे नीचे निकाल देंगे, इसे ऐसे तवे पे डालेंगे। बस जैसे पहले हमने आग में सेका था वैसे ही इसे भी हम सेक लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बस आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा वीडियो को जितना आपसे हो सके। आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस हम ऐसे ही इसे सेक लेंगे चूल्हे में। यहाँ पे हम मक्की का आटा लेते जाएंगे, उसमें कुछ पानी की क्वांटिटी डालते हुए सॉफ्ट आटा बना लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। ये देखिए, तब तक ये भी हो गई, जो तवे पे है उसे भी हम पलट लेंगे। ये हो गई है, इसे उठा देंगे। तो अब मैं सभी को ऐसे ही बना लेती हूँ। बिल्कुल वैसे ही, बस वैसे ही आटा बनाएंगे जैसे मैंने बताया, बिल्कुल वैसे ही मैं आगे भी सभी को इनको बना लेती हूँ। ये मक्की की रोटियों को मैंने बना लिया है। वैसे तो ये सभी चीज़ों के साथ बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन साग के साथ इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। साथ में मैंने ली है यहाँ पे कुछ लस्सी, जो कि ये दोनों ही चीज़ें इसके साथ खाए तो आनंद आ जाता है इन्हें खाने का। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जो मैंने इसमें टिप्स दिए वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ये भी मुझे उम्मीद है। लेकिन आप इसे कमेंट में लिखिएगा मुझे कि आपको कैसे लगी। तो आइए अब आपको दिखा देती हूँ कि कैसे इसे खाते हैं। ये देखिए, कुछ साग कुछ घी मैंने लिया, ऐसे इसकी बाइट बनती है। ये देखिए, आ गया ना आपके भी मुँह में पानी, क्योंकि ये एक ऐसी डिश है जो कि बहुत बड़े पकवान, जो कि महंगे महंगे होटलों में हम खाते हैं, इसके आगे सब फीके हैं। तो आप भी इसे बनाएं, लेकिन जब भी आप इसे बनाएं मुझे कमेंट में लिखिएगा कि आपको ये कैसी लगी वीडियो। तो अब मिलेंगे एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।